मामा मामी और बच्चों की हत्या में मिली सजाए मौत। तीन सहयोगियों को भी सुनाई गई उम्र कैद की सजा। अयोध्या जनपद के इनायत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरिया निसारू गांव में महज एक बीघा जमीन के लिए हुई पांच लोगों की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने मुख्य आरोपी पवन कुमार को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि इस हत्याकांड में उसका सहयोग करने वाले के मामले में पत्नी, माता और पिता को उम्र कैद की सजा दी गई है। यह दिल दहला देने वाली घटना पिछले वर्ष 22 मई की रात्रि हुई थी। आरोपी पवन की माता शेषमता अपने पति रामराज के साथ बरिया निसारू गांव स्थित अपने मायके में रहती थी। शादी के बाद उसकी पत्नी ममता भी पति पवन के साथ उसके मामा के घर रहने लगी। इसी बीच पवन के नाना पलटू की मौत हो गई। यहीं से पूरे विवाद का जन्म हुआ। पलटू की मौत के बाद संपत्ति उनकी पत्नी और बेटे राकेश के नाम ट्रांसफर हो गई, परंतु मायके में रह रही बेटी शेषमता और उनके पुत्र पवन ने राकेश को मिली 6 बीघा जमीन में से आधी जमीन मांगी। गांव वालों की मध्यस्थता के बाद शेषमता और उनके पुत्र पवन को 2 बीघा जमीन दे दी गई। इसके बावजूद पवन संतुष्ट नहीं हुआ और 1 बीघा और जमीन की मांग करता रहा। इसी को लेकर दोनों परिवारों में अनबन इस कदर बढ़ गई कि पवन कुमार ने अपने ही मामा मामी और उनके 4 वर्षीय पुत्र ध्रुव, 7 वर्षीय शक्ति, 10 वर्ष अंशिका की रात्रि में खाना खाते समय बांके और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। घटना के समय मामा राकेश घर से बाहर, इसलिए पहले पवन ने अपनी मामी और बच्चों की हत्या की। उसके बाद जब मामा राकेश घर के भीतर आया तो उसकी भी हत्या कर दी। इस घटनाक्रम में पवन के कृत्य में उसकी मां शेषमता, पिता रामराज और पत्नी ममता को सहभागी माना गया। इसीलिए शनिवार को एडीजे कोर्ट ने पवन कुमार को इस घृणित कृत्य के लिए फांसी की सजा, जबकि सहयोगी के तौर पर अन्य 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आज हमारे यहां एडीजे के 4 ईसीएसीटी कोर्ट ने सरकार बनाम रामराज, जो 5 मर्डर का मुकदमा चल रहा था उसमें मुख्य आरोपी पवन कुमार को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है और सह अभियुक्त ममता, शेषमता और रामराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एसजीएस अमित कुमार पांडे की कोर्ट से सभी आरोपियों को उनके कृत्य के लिए यह सजा सुनाई गई है। यह मामला 1 वर्ष पुराना है। प्रवीण कुमार सिंह, सहायक जिला शासकीय अभियोक्ता फौजदारी है। आज हमारे यहाँ एडीजे 4 ईसीएफ कोर्ट पे सरकार बनाम रामराज, जो 5 मर्डर का मुकदमा चल रहा था जिसमें मुख्य आरोपी पवन कुमार को 302 में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और 3 सहभियुक्त ममता, शेषमता और रामराज को आजीवन कारावास की सुनाई गई। ये माननीय अमित कुमार पांडे जी एसजीएस की कोर्ट से, ये लगभग 1 साल मुकदमा डिसाइड हुआ है। प्रवीण कुमार सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी।